हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ हमने साइंस के चैप्टर नंबर 8 को, जो कि मोशन नेम्ड है। और इस चैप्टर में ये एज पर सिलेबस है, ये भी ध्यान रखना, एज पर स्प्लिट अप है ये, इसमें कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 8 चैप्टर जो है इन द मंथ ऑफ जून में ये आ रहा है, और हम अभी एज पर द स्प्लिट अप सिलेबस चल रहे हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन इस बात की नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा चैप्टर को। तो मोशन चैप्टर है, मोशन एक्चुअली में होगा क्या अगर हम डिस्कस करें तो, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम द ऑब्जेक्ट हैड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी लोकेशन को, अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है या उसकी पोजिशन में चेंज आ रहा है, देन इट इज सेट टू बी इन मोशन, अदरवाइज ही इज स्टिल। और अगर हम वैसे रोजाना देखें तो एवरीथिंग इज मूविंग, इवन आवर अर्थ, द यूनिवर्स, द सन, द प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज मूविंग। सो मूवमेंट इज लाइफ, और रुकना मना है, ठीक है, रुकना मना है, लगातार चलते रहेंगे। आगे बात करते हैं जो चैप्टर में हमें दिया है 8.1.1 में, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ दिखाया है एक स्ट्रेट लाइन के साथ जो मोशन है, दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। ये भी एक मोशन का टाइप है, लेकिन सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि किस तरह से मोशन होता है, वो स्ट्रेट लाइन के साथ हो और कैसे उसको हम डिस्क्राइब करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मान के चलें कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ओ पोजिशन पे रखा हुआ है, और यहाँ से मूवमेंट करके पहले सी पर पहुँचा, और सी से पोजिशन चेंज करके पहुँचते हैं बी पर, और बी से पोजिशन को चेंज करके पहुँच जाते हैं ए पर। तो आप यहाँ देखिए किलोमीटर यहाँ पे शो किए हुए हैं, तो जीरो से ये यहाँ से स्टार्ट करके पहुँचते हैं 25 किलोमीटर का कवर करता है। देन दिस ऑब्जेक्ट मूव टुवार्ड्स 35 किलोमीटर एंड एट लास्ट इट कम्स टू ए एंड दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। बट अभी यहाँ पे मोमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट जो है ओ से सी, सी से बी, बी से ए, और ए से फिर से मूव करता हुआ वापस बी पे आता है, और बी पर आने के बाद वापस कहाँ पे आके रुकता है, सी पर, यहाँ आके ये ऑब्जेक्ट जो है रुकता है। अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई उसको कैसे कैलकुलेट करें, हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी सी, ध्यान दीजिए। यहाँ दिया है कि डिस्टेंस ओ से ए तक अगर जब हम पहुँचे, ओ से ए तक जब हम पहुँचे थे, सो ये जो डिस्टेंस थी ओ से ए तक, तो ये 50 किलोमीटर थी, सो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने कवर की, ठीक है। सो 50 किलोमीटर ये हो गया। देन ए टू सी, देन ए से पहुँच के वापस सी तक जब ये आए हैं तो 25 किलोमीटर और यहाँ पे इन्होंने कवर की, और टोटल डिस्टेंस हमारी बन जाती है कितनी, 75 किलोमीटर। सो ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने कवर की है 75 किलोमीटर्स की। बट अगर हम डायरेक्ट डिस्टेंस को काउंट करें, कहाँ से, अगर हम ए ऑफ से इस पॉइंट से वापस आकर हम कहाँ रुके हैं, सी पर रुके हैं, अब हम इसको यहाँ से जाकर वापस आए हैं ये हमने देखा नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो पहले हमने ओ पर देखा था, अब लास्ट में वो कहाँ पर रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है। सो हम फाइनल पोजिशन देखेंगे और इनिशियल पोजिशन, अगर फाइनल और इनिशियल पोजिशन को कंपेयर करते हैं तो ये इस तरह से होगा, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना काउंट होगा, ये देख लो, फिर से देखेंगे हम इसको एक बार। डिस्प्लेसमेंट जो होगा ओ से लेकर सी तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये होगा 25 किलोमीटर का, ठीक है। कितना होगा, 25 किलोमीटर ओ से सी तक, नॉट ए, ओ से सी तक का जो है डिस्टेंस है ये 25 किलोमीटर का होगा, ठीक है। तो ये था हमारा, थोड़ा ध्यान ये रखना, डिस्टेंस जो होती है उसके साथ में डायरेक्शन जुड़ी होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ में किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन जुड़ी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें देखता है, इनिशियल पोजीशन और द फाइनल पोजीशन, लेकिन डिस्टेंस जो है वो फाइनल पोजीशन के साथ साथ जिस राउंड से, जिस डायरेक्शन से, जिस पाथ से हम मूव करके आए हैं, वो टोटल डिस्टेंस जो है उसको कवर करता है, उसको एड अप करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से समझना और कंसेप्ट को इसको क्लियर समझना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो गैप है, जो बीच का जो डिस्टेंस डिफरेंस है, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो जितने टाइम में जो जितना कवर किया गया है, डिस्टेंस जो कवर की गई है वो डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम, क्वेश्चन दिए हैं पेज नंबर 100 पर, आप देखना पेज नंबर 100 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इजी भी हैं और एग्जाम में भी आते हैं। फर्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, को
कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँच गया, तो एक डिस्टेंस इसने कवर की, ये ए से पहुँचा और कहाँ तक पहुँच गया, ये बी तक पहुँच गया, डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, ठीक है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या काम काउंट करेंगे हम, इनिशियल पोजीशन और द फाइनल पोजीशन दोनों काउंट करेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलने के बाद वापस कहाँ पहुँच गया है, पोजीशन ए पर पहुँच गया है, तो अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हैं, सेम। ए इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। अब सेम होने से हम क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है इस ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज क्लियर, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, देखना होगा क्या एक्चुअली इसमें। एक अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वेयर फील्ड, फील्ड कैसा है, स्क्वेयर फील्ड है, स्क्वेयर साइड का, और विच साइड 10 मीटर, इसकी साइड कितनी है 10 मीटर, वन साइड है, और ये एक का जो एक मूवमेंट करता है, एक जो सर्कल लगाता है इसके चारों तरफ एक बार जब मूव करके आता है तो कितना सा टाइम लेता है, 40 सेकंड में मूव कर लेता है, ठीक है ना, 40 सेकंड में 40 मीटर्स हो गया ना, किस तरह से हुआ 40 मीटर, ये देखो, ये अगर 40 सेकंड्स में मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ए से चला मान लो 10 मीटर, यहाँ से यहाँ कवर किया 10 हो गया, फिर यहाँ से सी तक आया फिर से 10, सी से डी तक आया फिर से 10, और डी से फिर से ए पर आया तो फिर से 10, तो टोटल कितना हो जाता है 10 10 10 10, अगर हम काउंट करें तो टोटल हो जाता है 40 मीटर्स हो जाता है। और दूसरी चीज़ देखिए, हमने कितने टाइम में कवर कर रहा है, 40 सेकंड्स में ही कवर कर रहा है, इट मीन्स व्हाट कि एक सेकंड में एक मीटर ये डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखो डिस्टेंस नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में वही बात, फाइनल और इनिशियल जो पोजिशन है उनके बीच का जो गैप होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये क्या पूछ रहे हैं, What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds? अब इतना मैथ आपको खूब आते हैं, आप मैथ में बड़े अच्छे हैं, तो 2 minutes को अगर हम देखें तो 2 minutes में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करो कितने हो जाएंगे, 120 seconds हो जाएंगे, ठीक है ना, और 120 seconds के साथ में 20 seconds और हैं तो टोटल हो गए 20 सेकंड और ऐड कर लो, कितने हो गए 140 seconds हो गए, ठीक है, 140 सेकंड्स हो गए। बात क्या हो रही है, यहां पर हमने पढ़ा कि वन राउंड कंप्लीट कर रहा है कितना, 40 सेकंड्स में, है ना, सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड तीन राउंड हो जाएंगे ना, अगर आप ज्यादा लंबा चौड़ा ना लें इसको, मैथ की तरह ना जाएं, बहुत इजीली भी कर सकते हैं, थ्री राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड थ्री राउंड कंप्लीट, उसके बाद कितना मीटर बचता है हमारे पास, 20 सेकंड्स और बचते हैं, अभी 20 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएंगे, 10 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएंगे बी पर, और अगले 10 सेकंड पहुँच जाएंगे हम सी पर, तो लास्ट, सो इनिशियल पोजीशन हमारी थी ए और फाइनल पोजीशन हम कहाँ पहुँच गए हैं, सी पर पहुँच गए हैं, तो ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस हो जाएगी 10 इन प्लस में 10 तो 20 मीटर्स हो जाएगी, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट ये देखें यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, तो कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसका। Now we go to the position of the farmer. फार्मर जो है वो कहाँ होगा, सी पर होगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका काउंट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा और ये आपको आता ही होगा। तो कैसे होगा, 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर, सो इसको जब सोल्व करेंगे 100 हो जाएगा और प्लस में एक और 100, कितने हो गए 200 हो गए, और 200 का अगर हम स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयर रूट करते हैं तो ये लगभग 14 अराउंड आता है, समथिंग 14 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट इसका रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो ये देखिए नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा क्या, जब टाइम के साथ कवर डिस्टेंस जो है वो चेंज ना हो और इक्वली उतने ही डिस्टेंस कवर करते रहे कोई ऑब्जेक्ट, तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन टाइम के साथ में अगर कवर्ड की गई जो डिस्टेंस है वो
चेंज होती रहे तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि कोई ऑब्जेक्ट ए है जो 7 o'clock पर 40 meters मूव करता है, 7 o'clock से मूवमेंट हो रहा है इसका 40 meters से, देन 8 o'clock पर ही आ जाता है 80 meters, मीन्स इसके द्वारा कवर जो किया गया वो कितना है 40 meters कवर किया गया, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। इसके बाद 8 to 9 o'clock अगेन मूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, सो 120 and 80 अगेन द डिफरेंस इज सेम, दैट इज 40 meters, सो ये भी 40 meters आ गया। फिर 10 o'clock पर ये पहुँच गए 160, सो 120 और 160 का फिर से डिफरेंस कितना आ गया हमारा 40 meters आ गया। तो इससे समझ में क्या आ रहा है, समझ में यही आ रहा है कि जो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से चल रहा है, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो सेम डिस्टेंस कवर हो रही है एवरी टाइम, 1 hour में सेम 40 meters। बट इफ़ यू सी द ऑब्जेक्ट बी दैट इज मूविंग एट 7 o'clock इट इज ऑन 25 meters, ओके, बट 8 o'clock इट मूव्स टू 35, सो वी गेट 10 meters डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से 10 meters डिस्टेंस इट कवर्ड। फिर 9 o'clock पर इट मूव्स टू 60, मीन्स कितना आ गया 25 meters। तो यहाँ मोस्ट यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पहले 1 hour में 10 meters, नेक्स्ट 1 hour में कितने चले गई 25 meters। फिर आगे चलते हैं, यहाँ आ गए तो ये हैं 18 meters, सो फिर से यूनिफॉर्मिटी नहीं है। 18 meters के बाद में यहाँ अगर हम पहुँचे तो ये और फिर डिफरेंस हो गया, कितना आ गया डिफरेंस 32 meters का आ गया, कोई यहाँ पे यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है। तो यहाँ जो मोशन है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट इन द अदर हैंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम रेट ऑफ मोशन, और रेट ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। स्पीड कैसे काउंट करें, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, बहुत जनरल बातें हम करते हैं स्पीड क्या है, लेकिन अगर साइंटिफिकली इसको डिस्क्राइब करें तो थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजीज की यूज की जाएगी। सो रेट ऑफ मोशन जो है वो स्पीड होगी, और स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की जो होगी वो एट ए टाइम एट ए पॉइंट निकालना मुश्किल होता है। तो क्या होगा, इसकी एक एवरेज स्पीड निकाली जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसकी एक एवरेज स्पीड काउंट की जाएगी। एवरेज स्पीड काउंट करने के लिए कैसे करेंगे, कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है उसको एक साथ लिखा जाएगा, और दैट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट, इन दोनों को अगर हम रेशो निकालें तो वो हमारा क्या निकल कर आएगा, एवरेज स्पीड निकल कर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 meters इन 4 seconds, ठीक है, 4 seconds में कितना मीटर मूव कर रहा है ये 16 meters। सो हम एक जगह टाइम लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लिया टाइम और यहाँ लिख लेते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है, 4 seconds में 16 meters, एंड देन अनादर 16 meters इन 2 seconds, सो 2 seconds में कितना कवर कर लेता है 16 meters सेम। वॉट इज द एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, टोटल करेंगे टाइम का 6 seconds हो गए, और अगर डिस्टेंस को कवर करें टोटल करें तो ये हो जाएगा 32 meters, और डिवाइड करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 6, 5.3 और समथिंग ये आता है, और जितना आएगा वही इसका क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये था एवरेज स्पीड की बात हमने की। इसके बाद एक नई टर्म आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। डायरेक्शन जब भी नॉर्थ साइड में है, ईस्ट वेस्ट साइड में है, अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी मोशन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी भी द सेम वे एवरेज वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट की जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस उसकी फाइनल वेलोसिटी और उसको डिवाइड करते हैं 2 से, ये एक उसका एवरेज निकालते हैं। सो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड अप करके और 2 से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी उसकी निकल के आती है बाहर, ठीक है। ये हमने देखा। इसके बाद हम पहुंचते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं हमारे। हाँ, इसको मैथमेटिकली अगर हम डिनोट करना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो ऐसे बोलेंगे जो एवरेज वेलोसिटी है उसको यू
और एवी, एवी मीन्स एवरेज, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टू। क्योंकि देखो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मूव करके जब वो स्टॉप होगा तो उसकी मूवमेंट की जो वेलोसिटी है, वो स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं रहेगी, वो चेंज होगी। इनिशियल में जैसे हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो शुरुआत में कम होती है स्पीड, जैसे हाईवे पर पहुंचते स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन फिर ब्रेकर आता है तो स्पीड कम हो जाती है, फिर सामने कोई गाड़ी आ जाती है या हमें रुकना होता है तो स्पीड डाउन हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो स्पीड जो है हमेशा एक जैसी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रह सकती। सो अब हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। अब बात कर रहे हैं हम डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेटली एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पे हमने किया है इनका कंपेयर किया, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी रेफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम इंटरवेल। देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के इंटरवेल में कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वेलोसिटी होगी, लेकिन स्पीड रेफर्स टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम इंटरवेल। ये डिस्टेंस की बात कर रही है, अगर एक टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की तो वो स्पीड होगी, और एक टाइम इंटरवेल में जितना डिस्प्लेसमेंट किया तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में फर्स्ट बेसिक डिफरेंस। देन वेलोसिटी हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होती है, किसी भी एक डायरेक्शन में चलेगी। सो वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन होता है लेकिन स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। थर्ड, वेलोसिटी फाइंड आउट करने का जो तरीका है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम, बट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का टाइम डिफरेंस आ गया यहाँ दोनों, ठीक है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी कैन होल्ड ए नेगेटिव वैल्यू, वेलोसिटी जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पे रखा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ओ है, एक लाइन है, इस लाइन से यहाँ पे बी तक पहुँचे। अब ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है तो ये इसकी पॉजिटिव कवर किया, बी पर पहुँचने के बाद अगर ये वापस इधर आ जाता है, ओ पर आके रुक जाता है, तो ये नेगेटिव होगी इसकी, ठीक है ना। बट स्पीड कैन नॉट होल्ड ए नेगेटिव वैल्यू, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, वो डिस्टेंस तो जब भी कोई मूवमेंट होगा तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर की ही जाएगी, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट उसका काउंट हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन डिस्टेंस तो कवर होगी ही होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड और उसका एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल कब हो सकती है, ये इक्वल कब हो सकती है, ये इक्वल तभी होंगी व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हों तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। और अगर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं तो उनकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों भी क्या होंगी, अलग। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर जो होता है गाड़ियों में लगा रहता है, वो क्या क्या कवर करता है, क्या मेजरमेंट करता है, वो डिस्टेंस का कवर, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है व्हीकल के द्वारा ऑटोमोबाइल के द्वारा, उसको कवर काउंट करने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है। व्हाट द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई, जैसे ये है, अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, और इधर लगाएंगे हम डिस्टेंस, है ना। पहले आवर में मान लो 40, दूसरे आवर में फिर से 40 किलोमीटर, तीसरे आवर में फिर से 40 किलोमीटर, चौथे आवर में फिर से 40 किलोमीटर। सो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कोई सिग्नल पहुंच गया, है ना, 5 मिनट्स, ओके। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप जो है वो कितना डिस्टेंस पे है। द सिग्नल ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो सिग्नल है वो स्पीड लाइट में मूव कर रहा है। सो और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्या करना है हमें,
जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्पीड दी हुई है हमारे पास 3 × 10^8, ये है ही, और टाइम हमारा है 5 मिनट्स। मिनट्स को इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 300 सेकंड्स हो जाएंगे ना, 300 सेकंड्स हो जाएंगे। तो 300 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 900 × 10^8, ये आ गया नंबर हमारे पास। अब इस 100 को यहाँ से लेकर जाएंगे, हटाएंगे तो 9 × 10^10 आ जाएगा, है ना, मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगी इसकी 9 × 10^10 मीटर। अब इसको अगर हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो इजी से हम आगे कर सकते हैं। चलिए, ये था आज का हमारा चैप्टर, आज के लिए इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। सो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ताकि आपको वीडियो जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ओके।